हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे .NET कोर 6 के अंदर मॉडल कैसे बनाते हैं, मॉडल क्या होता है। तो बेसिकली मॉडल क्या होता है, रिप्रेजेंट द शेप ऑफ डाटा। कहने का मतलब है जो भी हमारा डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम मॉडल के अंदर डिफाइन करते हैं। तो मॉडल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको अपना विजुअल स्टूडियो खोलना होगा। विजुअल स्टूडियो खुल रहा है तब तक हम देखते हैं बेसिकली डेटाबेस के स्ट्रक्चर कैसे तैयार करता है। अगर हमारे पास दो टेबल है, स्टूडेंट और कोर्स, स्टूडेंट में क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट का आईडी हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका फोन नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है। इस तरह से हम स्टूडेंट का डिटेल ले सकते हैं। फिर कोर्स में क्या होता है, किसी भी अगर इंस्टीट्यूट की बात करें और कोई भी संस्था है, अगर बात करें कोई भी संस्था है उसके पास बेसिकली क्या आएंगे, स्टूडेंट आएंगे पढ़ने के लिए। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, स्टूडेंट जो आएंगे उनके लिए क्या बनेगा, स्टूडेंट टेबल बनेगा। अब स्टूडेंट आएंगे यहाँ एडमिशन लेने के लिए तो उनके लिए संस्था के पास क्या होगा, कोर्स होगा। तो क्या होगा, कोर्स का आईडी होगा, फिर कोर्स का नेम होगा, कोर्स का क्या हो सकता है, कोर्स का प्राइस हो सकता है, फी हो सकता है, बेसिकली उस कोर्स का फी कितना है, और क्या हो सकता है, कोर्स का ड्यूरेशन हो सकता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, डाटाबेस को एनालाइज करते हैं कि डाटाबेस में हमारे क्या क्या फील्ड रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली उस लेवल पे जाकर सोचना होता है जिस लेवल पर वो बिजनेस ऑर्गेनाइज हुआ, बेसिकली उनको बेसिकली उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको सोचना पड़ता है जो हम उनकी डाटाबेस में रिक्वायरमेंट क्या है। अगर स्टूडेंट और कोर्स की ही बात करें, जो मेरे पास स्टूडेंट आया और कोर्स में रजिस्टर हुआ, इस प्रोसेस की बात करें तो मेरे पास यहाँ कोर्स का लिस्ट आ गया, यहाँ पर स्टूडेंट आ गया। अब स्टूडेंट और कोर्स के बीच में रिलेशन होगा, कहने का मतलब जो स्टूडेंट आएगा तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन करेगा बेसिकली किसी न किसी कोर्स में, हो सकता है जो एक कोर्स में रजिस्टर हो सकता है जो एक से ज्यादा कोर्स में रजिस्टर हो सेम स्टूडेंट। तो यहाँ पर बेसिकली जो रिलेशन बनेगा टेबल टू टेबल, बेसिकली मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यहाँ पर बेसिकली क्रिएट होगा। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन अगर आता है डाटाबेस में तो .NET कोर के अंदर क्या करते हैं कि हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, एक मिडिल टेबल का यूज करते हैं। बेसिकली हैंडल बेसिकली इस चीज को हैंडल किसके द्वारा, मिडिल टेबल की वजह से। तो एक टेबल मिडिल में बेसिकली बनेगा स्टूडेंट कोर्स के नाम से बनेगा। अब इसमें क्या होगा, इसका तो खुद का आईडी होगा, देन हम क्या करेंगे, इसके प्राइमरी की को इसमें फॉरेन की के रूप में सप्लाई करेंगे। जैसे स्टूडेंट आईडी हम यहाँ पर सप्लाई करेंगे, स्टूडेंट आईडी हम यहाँ पर सप्लाई करेंगे, फिर इस कोर्स टेबल का क्या करेंगे, कोर्स आईडी भी हम यहाँ पर सप्लाई करेंगे। इस तरह से कोर्स आईडी भी हम सप्लाई करेंगे, तब तो ये मेरे तो मेरे एक स्टूडेंट आया यहाँ मल्टीपल कोर्स को ले सकता है। अगर अगर हमको फिल्टर करना है कि इस कोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट है, यहाँ से कोर्स आईडी के हिसाब से मैं डाटा निकाल सकता हूँ कौन कौन सा स्टूडेंट है, और किसी एक स्टूडेंट के बारे में जानना है कि कितने कोर्स में रजिस्टर है, तो यहाँ पर मैं उसके हिसाब से भी डाटा निकाल सकता हूँ मिडिल टेबल के सहारे से। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो इस चीज को अगर मॉडल में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, जब हम अपने विजुअल स्टूडियो में आते हैं और यहाँ से मैं क्या करूंगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा, और देन यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर जो टेबलेट होते हैं डिफॉल्ट वो लोड होंगे, और यहाँ पर हमको क्या करना है, मॉडल व्यू कंट्रोलर बेसिकली ASP.NET कोर मॉडल व्यू कंट्रोलर वाले पर सिलेक्ट करना है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप सोल्यूशन नेम आप कुछ भी दे सकते हो या जो आ रहा है डिफॉल्ट उसको भी रख सकते हो। यहाँ पर आपको वेब एप्लीकेशन के जगह पर क्या करना है, आपका अपना प्रोजेक्ट का नाम देखना है। तो मैं जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्कूल मैनेजमेंट के नाम से मैं बना देता हूँ। स्कूल मैनेजमेंट के नाम से मैं एक यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ, और ये क्या होता है कि प्रोजेक्ट का हम पाथ बेसिकली किस लोकेशन पर हम प्रोजेक्ट को सेव कर रहे हैं, किस डायरेक्टरी में सेव कर रहे हैं, वो बेसिकली हम यहाँ से देते हैं। देन हम करेंगे नेक्स्ट। ये क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप पर हमको लेके आएगा, यहाँ पर बेसिकली आपको बेसिकली सपोर्ट बेसिकली सिलेक्ट करने को कहेगा जो आप .NET का फ्रेमवर्क का कौन सा वर्जन यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली विजुअल स्टूडियो 2022 हमारे पास है, और भाई 22 में क्या है जो .NET
6.0 जो अभी बेसिकली नवंबर दिसंबर में जो आया था वो हमारा लेटेस्ट है, और वो बेसिकली क्या करेगा कि वही हमारा सपोर्ट करेगा। तो 6.0 ही हम यहाँ से लेंगे, और यहाँ से हम जब क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा बेसिकली, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको नन रखना है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, आप HTTPS को कॉन्फ़िगर करके रख सकते हो, आपको HTTPS की जरूरत नहीं है तो आप चेक हटा देना, अगर जरूरत है तो आप चेक रखिएगा। तो बेसिकली HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, बेसिकली क्या होता है सिक्योर के लिए होता है, बेसिकली SSL हमारे जो अगर होस्ट करते हैं सर्वर पे, तो HTTPS से बेसिकली क्या होता है कि हमारा वो सिक्योर होता है, और HTTPS नहीं होता है तो रन सिक्योर होता है। तो ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं यहाँ पर आते हैं, और इसमें क्या करते हैं जी बेसिकली कुछ और फील्ड को ऐड कर सकते हैं, जैसे जो यहाँ पर कोर्स ID भी हो सकता है, कोर्स कोड भी हो सकता है, कोर्स कोड भी हो सकता है हमारा कोर्स टेबल में, उसी तरह से स्टूडेंट में ID हो गया, फोन हो गया, आप चाहे तो डेट भी ले सकते हैं, काउंटर से डेट कोई स्टूडेंट इनरोल हुआ, तो इस तरह के बेसिकली मेरा ये टेबल का स्ट्रक्चर है। इसी टेबल को हम क्या करते हैं अपने मॉडल के रूप में कन्वर्ट करके देखते हैं इस बेसिकली डॉटनेट कोर के अंदर, हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली क्रिएट हो रहा है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट इस तरह से क्रिएट होके आ गया। हम अपने यहाँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट जो लोड हो गया है यहाँ पर हमको दिखाएगा कि क्या क्या हमारे प्रोजेक्ट के साथ फाइल ऐड होके आए हैं। तो ये बेसिकली हमारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जो यहाँ पर फाइल एंड फोल्डर आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, बेसिकली डिपेंडेंसी क्या होता है, जब हम जितने भी अपने पैकेज और असेंबली कॉल करेंगे इसके अंदर कॉल करते हैं बेसिकली डिपेंडेंसी के अंदर, यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली हमको क्या देखा है, प्रोजेक्ट के बारे में हमको बताया, प्रोजेक्ट के ग्रुप टाइप क्या है, 6.0 पर डॉटनेट 6.0 है, ये इनेबल है बेसिकली नलेबल, ये बेसिकली डिटेल है। हम जितने भी इसके अंदर अपने पैकेज को ऐड करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली एक ग्रुप बन के आएगा जिसके अंदर हमको शो करता रहेगा। इसके बाद ये डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू जो फोल्डर होता है बेसिकली ये क्या होता है, स्टैटिक फोल्डर होता है, जहाँ हम अपने स्टैटिक फाइल को रखते हैं, जैसे कि क्लास फाइल को रख दिए, JS को रख दिए, इमेजेस को रख दिए, तो इन सब को क्या करता है जो हम डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर रखते हैं। फिर यहाँ पर बेसिकली एक कंट्रोलर नाम का फोल्डर आता है, कंट्रोलर क्या होता है बेसिकली, कंट्रोलर को बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पर, बेसिकली कंट्रोलर क्या होता है जी, हैंडल द यूजर रिक्वेस्ट एंड एक्ट एज इन इंटरफेस बिटवीन मॉडल एंड व्यू, बेसिकली यूजर रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं इंटरफेस और मॉडल बेसिकली व्यू के बीच में, बेसिकली ये बेसिकली हमारा कंट्रोलर होता है। फिर मॉडल्स हमारे क्या होते हैं, तो मॉडल्स हमने देखा था जी रिप्रेजेंट द शेप ऑफ डाटा, बेसिकली डाटा जो हमारा डाटाबेस लेयर करता है रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पर व्यू क्या होता है, तो व्यू बेसिकली क्या होता है, रिप्रेजेंट द यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस करने का मतलब जितने भी यूजर को दिखने वाले पेज बनेंगे वो सारे व्यू के अंदर हमारे बनेंगे। फिर एप सेटिंग डॉट जेएस जो क्या होता है, एप सेटिंग डॉट जेएस के अंदर हम क्या करते हैं अपने बेसिकली कनेक्शन बनाते हैं या जो भी हमको काम होता है सारे हम एप सेटिंग डॉट जेएस करते हैं। प्रोग्राम सी डॉट सी एस क्या होता है, ये हमारा मेन फाइल होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट होता है इसको रन कराने का काम जो होता है प्रोग्राम डॉट सी एस का होता है, जैसे जो हमारे यहाँ बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड कंट्रोलर भी बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं अपने कनेक्शन को बेसिकली हम यहाँ पर बनाते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर राउटिंग होता है, राउटिंग क्या होता है, URL मैपिंग होता है, बाय डिफॉल्ट जैसे जो हमारा कंट्रोल कौन सा कॉल हो रहा है, होम कंट्रोल कॉल हो रहा है, होम कंट्रोल, एक्शन मेथड कौन सा कॉल हो रहा है, इंडेक्स कॉल हो रहा है, ये ID क्या है बेसिकली, ID जो है ये बेसिकली हमारा ऑप्शनल होता है। अगर इस प्रोजेक्ट जो लोड हुआ है अगर इसको रन करना है तो हमको F5 करना होगा अपने कीबोर्ड से, जैसे मैं F5 करूंगा या यहाँ से आपको यहाँ पर रन पर क्लिक करना होगा तो आपका ये क्या होगा प्रोजेक्ट रन होके आएगा ब्राउजर में बेसिकली। तो बेसिकली ये रन होके जो आएगा इसमें सबसे पहला जो पेज आएगा हमारा इसमें आएगा बेसिकली होम पेज, बेसिकली हमारे पास कौन सा होम कंट्रोलर के इंडेक्स व्यू को कॉल करेगा बेसिकली। तो होम कंट्रोलर में इंडेक्स व्यू क्या होता है अभी देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं रन होके हमारा प्रोजेक्ट आता कैसे। तो ये बेसिकली हमारा कुछ प्रोजेक्ट जो है कुछ इस तरह से रन होके आएगा। तो ये बेसिकली क्या होगा जो होम कंट्रोलर, अगर मैं प्राइवेसी पर क्लिक करूं देखो होम
कंट्रोलर के अंदर प्राइवेसी व्यू को ये रन कर रहा है। इसी तरह होम के अंदर कौन सा ये बेसिक, अगर इसको देखना है तो हम क्या करना है, यहाँ पर आते हैं। अब मैं इसको करता हूँ जैसे ब्रेक लगाता हूँ, बेसिकली इसको मैं स्टॉप करता हूँ, दे आता हूँ अपने कंट्रोलर के ऊपर। तो कंट्रोलर में क्या, होम कंट्रोलर के अंदर हमारा इंडेक्स व्यू को रन करा है और दूसरा वाला क्या था, प्राइवेसी व्यू को रन किया। व्यू में अगर देखने की बात करें तो इंडेक्स में बेसिकली हम यहाँ कुछ भी चेंज करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी मैं चेंज करता हूँ क्या होगा हमारा, वहां बेसिकली मेन पेज पर क्या होगा, चीज रिफ्लेक्ट होगा होम पेज। यहाँ पर बेसिकली अगर हमको चेक करना है तो हम यहाँ पर करते हैं फिर से F5। उसी तरह से प्राइवेसी का व्यू है, बेसिकली प्राइवेसी का व्यू हमारा कहाँ से आता है, होम कंट्रोल के अंदर। ये प्राइवेसी ये क्या करता है, रिटर्न व्यू किया है प्राइवेसी को, और यहाँ पर भी हम जो चेंज करेंगे बेसिकली हमको वो दिखा देगा। इसे यहाँ याद लिखता हूँ और मैं यही पर भी कुछ और बेसिकली मैं अपना नाम भी डाल देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, कंट्रोलर होता है, व्यू होता है, मॉडल होता है। तो हमको क्या करना था, ये हम आप आज हमको क्या डिजाइन करना था, इसके अंदर मॉडल डिजाइन करना था। देखो यहाँ पर राजेश कुमार लिख के आ गया। बेसिकली अगर प्राइवेसी पर भी क्लिक करो तो यहाँ पर राजेश कुमार, बेसिकली हम अपने पेज पर जो चेंज करेंगे वो व्यू में चेंज करेंगे तो यूजर क्या होगा, इंटरफेस के फॉर्म यूजर इंटरफेस में बेसिकली वाई में दिखेगा। अब बात करते हैं हम अपने कंट्रोलर बेसिकली हमको मॉडल डिजाइन करने की। तो आज हम लोग सीखेंगे मॉडल डिजाइन करने के लिए। मॉडल डिजाइन करने के बारे में मैंने पहले ही बताया था, मैं स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट को एज्यूम करके चल रहे हैं और उसी पर हम .NET 6.0 को प्रैक्टिकली देखेंगे। हम बेसिकली इसमें एनालाइज क्या किए थे शुरू में, जो हमारे पास स्टूडेंट बेसिकली अगर कोई स्कूल है या कोई इंस्टीट्यूट है तो उसके पास क्या होगा, स्टूडेंट आएंगे, स्टूडेंट आएंगे क्या करने, किसी ना किसी कोर्स में इन्वॉल्व होने आएंगे। तो बेसिकली है यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट और कोर्स के बीच में कौन सा रिलेशन तय हुआ, बेसिकली हो रहा है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, जिसको हम हैंडल करते हैं मिडिल टेबल से। और मिडिल टेबल बेसिकली हमारे पास कौन सा मैं बनाया हूँ, स्टूडेंट कोर्स के नाम से बनाया हूँ। तो हम बनाते हैं पहले अपने मॉडल के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर मैं आऊंगा बेसिकली और इसको इन सबको बेसिकली ऐड कर देता हूँ। अब हमको बेसिकली सबसे पहले इसमें क्या करना है, यहाँ पर मॉडल ऐड करना है, ऐड यहाँ पर करूंगा और यहाँ से क्लास को ऐड करूंगा। मॉडल का नाम मैं क्या दूंगा, बेसिकली तो हम जैसे स्टूडेंट डॉट सी एस इसका नाम स्टूडेंट दे देता हूँ, मैं इसको स्टूडेंट दे देता हूँ। अब इस स्टूडेंट मॉडल में हमको क्या करना होगा, प्रॉपर्टी उसकी बनानी होगी। तो प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमको इस क्लास के अंदर आएंगे और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पी आर ओ पी लिख के और दो बार टैब आप प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से बना बनाया कोड आ जाता है मेरे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा आईडी पहला क्या इंटीजर टाइप का ही होगा, टैब प्रेस करेंगे नेक्स्ट पर आ जाएंगे, आईडी गेट सेट में कर लिया, टैब प्रेस किया, काम मेरा यहाँ से हो गया। अब मैं जो क्या करना है, दूसरा बनाना है, तो दूसरा के लिए हमको क्या करना होगा, बेसिकली अगर आपको नाम लेना है तो पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट आ गया मेरा। अगर मुझे नाम के बाद हमको क्या क्या फील्ड लेना था, बेसिकली फोन नंबर एड्रेस और डेट, तो फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक, पब्लिक नहीं लिखूंगा पी आर ओ पी लिखूंगा और दो बार टैब दाबूंगा, यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली स्ट्रिंग ले लेता हूँ स्ट्रिंग बेसिकली और यहाँ पर क्या देता हूँ फोन नंबर। फिर हमको क्या लेना है, फिर मैं एंटर दाबूंगा, फिर हमको क्या लेना है यहाँ से पी आर ओ पी टॉप और दो बार मैं टैप दाबूंगा, फिर मेरा स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, यहाँ पर हमको क्या लेना है एड्रेस लेना है, यहाँ टैप दाबूंगा एड्रेस में यहाँ पर टाइप कर दूंगा, फिर मैं मुझे क्या करना है यहाँ पर डेट लेना है इसके अंदर। तो डेट के लिए हम क्या करूंगा, पी आर ओ पी प्रोप दो बार टैप दाबूंगा बेसिकली, अब यहाँ पर क्या आएगा बेसिकली डेट टाइम और डेट टाइम में मैं यहाँ क्या करता हूँ डेट फील्ड को ले लेता हूँ, बेसिकली इसका डेट ले लेता हूँ। तो इसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेट कर सकता हूँ इसको मैं बेसिकली, तो इसको मैं कर देता हूँ स्टूडेंट डेट। और ये इसमें अगर डिफॉल्ट वैल्यू अगर हमको डलवानी है, जैसे जो मेरा डाटा ऐड हो तो उस समय ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम एक डेट उठा कर बेसिकली जो अभी करंट टाइम है डेट है उसको उठा कर डाल दे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ लास्ट में इक्वल टू आप लगाओगे और उसके बाद लिखोगे डेट टाइम डॉट नाउ, ये क्या करेगा जो ऑटोमेटिक टाइम को उठा कर डेट टाइम को उठा के इसके अंदर सेट कर देगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या हुआ स्टूडेंट मॉडल हुआ।
अब मुझे क्या करना है, दूसरा मॉडल बनाना है कोर्स से रिलेटेड, तो फिर से मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूंगा, क्लास पर क्लिक करूंगा और देन मैं इसको बनाऊंगा कोर्स के नाम से, course.cs के नाम से मैं एक फाइल बना दिया। अब इसके अंदर भी मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी इसकी सेट करनी है, तो बेसिकली int id get set में कर दिया। इसके बाद मेरा पास दूसरा क्या है जी, नेम, बेसिकली ये कोर्स नेम है, तो यहाँ पर मैं नेम की जगह पर कोर्स नेम कर दूंगा। अब कोर्स नेम के बाद हमारे पास क्या आता है, कोर्स के फी की बात करते हैं, तो प्रो फी बेसिकली किस इंट में आएगा, बेसिकली कोर्स फी हो जाएगा हमारा, कोर्स फी हो गया मेरा। इसके बाद और भी फील्ड कोई लेना है तो मैं देख लेता हूँ, बेसिकली ड्यूरेशन और कोर्स कोड क्या है, तो ड्यूरेशन भी क्या करता हूँ यहाँ पर पीआरओपी प्रोप दो बार टैब दबा, ड्यूरेशन भी क्या हमारा जाएगा इंट में जाएगा ड्यूरेशन। स्ट्रिंग टाइप ले लेता हूँ, जैसे मंथ और ईयर को भी हम सेव करा देंगे, इसको मैं स्ट्रिंग टाइप का ले लेता हूँ, गेट सेट किया। अगर कोड की बात करें कोर्स कोड की, यहाँ पर पीआरओपी प्रोप और टैब दो बार दबूंगा, स्ट्रिंग कोड कोर्स कोड बेसिकली हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर। अब मेनी टू बेसिकली कोर्स और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हमको क्या जरूरत होता था, जो बेसिकली एक टेबल मिडिल में हमको डालना है, तो ये बेसिकली मेनी टू मेनी रिलेशन हमारे यहाँ पर क्रिएट होगा। तो मिडिल में टेबल डालने के लिए हमको क्या करना होगा, एक और यहाँ से मॉडल एड करूंगा यहाँ से क्लास, और इस मॉडल का नाम दूंगा मैं कोर्स स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट कोर्स दिया और इसको भी मैं ऐड कर लिया। अब इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पर आईडी हमारा डिफॉल्ट आएगा, देन हमारा क्या आएगा जी, यहाँ पर मैं डालता हूँ प्रॉप और इसके बाद मैं दो बार टैप डालूंगा इन स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी मैं क्या किया इसको गेट सेट किया। और नेक्स्ट हमारा क्या करना है, यहाँ पर पब्लिक, बेसिकली पब्लिक इंट कोर्स आईडी, मैं यहाँ पर इंट डालता हूँ और देन यहाँ पर कोर्स आईडी को ले लेता हूँ। ये क्या करेगा, तो मेरा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को क्रिएट करेगा। लेकिन इसमें बेसिकली मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें एक काम करना होगा छोटा सा, जैसे कि मुझे यहाँ पर आता हूँ स्टूडेंट टेबल में, तो मुझे इसमें क्या करना होगा, एक और ऐड करना होगा क्लास, बेसिकली स्टूडेंट कोर्स का यहाँ पर हमको ये बनाना पड़ेगा। तब यार इस तरह लिखूंगा पब्लिक आई कलेक्शन। अब आई कलेक्शन में हम किसको सप्लाई करना है, स्टूडेंट में, यहाँ पर बेसिकली हमको सप्लाई करना है स्टूडेंट कोर्स को, स्टूडेंट कोर्स को सप्लाई करेंगे और इसको कर दूंगा कोर्स। ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, एक आई कलेक्शन टाइप का बेसिकली कोर्स का लिस्ट हम इसके अंदर डाल दिया। अब ये काम बेसिकली हमको कोर्स का लिस्ट हमको कहाँ डालना है, कोर्स वाले में डालना है स्टूडेंट कोर्स का। अब आते हैं बारी स्टूडेंट कोर्स की, तो स्टूडेंट कोर्स में इसका रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी जो हम सेट करेंगे वो बेसिकली हम सेट करेंगे पब्लिक स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है, ये गेट सेट में कर दिया। उसी तरह से फिर यहां पर पब्लिक कोर्स और यहां पर मैं कोर्स को गेट सेट में यहां कर दिया, तो ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, जैसे मॉडल तैयार हो गया मेनी टू मेनी का। तो ये बेसिकली हमारा .NET 6 के अंदर हम कुछ इस तरह से मॉडल बनाते हैं।